तरफ पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन कई सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की ओर से को गोलीबारी की जा रही है। आज पुंछ के शाहपुर सेक्टर के किरनी, मधार कस्बा और बांडी चचिया इन सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी की जा रही है, जिसका भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। पीएनआई के लिए सनी शर्मा की रिपोर्ट। पूरी दुनिया जो है कोरोना की वायरस से जो है महामारी में चल रही है, 2.5 लाख लोगों की जिससे मौत हो चुकी है। हमारा मुल्क भी इस तरह से हमें बल्कि की बात है कि दोनों मुल्कों की तरफ से जो गोलाबारी मतवाकर जा रही है, इसका हम लोगों गरीब लोगों को बहुत नुकसान होता है। हमारे बच्चे जो है वो हमारी गोलाबारी में मारेंगे, हमारे मवेशी मारेंगे, हमारे मकानों को नुकसान हो गया। मेरे कौम का सलाम, रमजान के पाक पहले महीने में दोनों साथ बात की गुजारिश करता हूँ कि आप जो है ये गोलाबारी बंद की जाए और हमें लोगों को सांस की जब सुखी सांस की जो है वो लेनी चाहिए। सर, आज सुबह 10 बजे अचानक से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुआ है शाहपुर कस्बा किरनी सेक्टर में और बांडी चेचिया सेक्टर में। जबरदस्त फायरिंग जो है यहाँ पर जारी है और छोटी गोलियां और बड़े मोटर शैल यहाँ पर दागे जा रहे हैं। रमजान का ये मुकदस महीना चल रहा है और उसमें भी हमें और ऊपर से कोरोना वायरस एक वबा है जो इस वक्त पूरे दुनिया में को लपेटे में लिए हुए है और इस वक्त हम लोग जो है घरों में महसूर होकर रह चुके हैं, परेशान हैं, ऊपर से ये शैल आके गिर रहे हैं। इसलिए मैं सर आपकी विसालत से इस गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि बराए करम आप बैठ के मसाइल को हल कीजिए, ना कि ये सरहद के ऊपर जो है सीज फायर। सर, मुझे बड़ा दुख महसूस होता है कि पाकिस्तान के अंदर आखिर ऐसे नालायक लोग ये जो बैठे हुए हैं आज इकतदार में, जिनको इतनी शर्म तक महसूस नहीं होती कि बार बार आप देख भी सकते हैं जितने भी ये रिहायशी इलाके हैं टारगेट हो रहे हैं सरहद के ऊपर, LOC के ऊपर। सर, रिहायशी इलाकों में तो लोगों का जीना हराम हो गया है। मैं इस चीज़ को सोच कर एक परेशान होता हूँ कि आखिर इनके हो क्या गया है, इनको रमज़ान के महीने में भी नहीं बख्शा जा रहा है।